एंड समवेयर आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स भी थोड़ा मूव दे रहे थे, तो मुझे लगता है आई थिंक ये दो सेक्टर्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और सीमेंट को जो आई थिंक जुड़ के सेक्टर है या जो स्टॉक मैंने चुना है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज प्रॉब्ली अ प्रॉक्सी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले। अब ये कंपनी आई थिंक शेल सर 65% इसका रेवेन्यू क्रेन सेगमेंट में आता है और ये सबसे दुनिया के सबसे बड़ी पीक एंड क्रेन मैन्युफैक्चरर है, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट शेयर मोबाइल क्रेन्स में इसका 60% है, टावर क्रेन्स में 60% है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ेगी और बढ़नी ही है, रोड्स हो, पोर्ट्स हो, मेट्रो के काम हो, हाउसिंग के काम हो, लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग, आई थिंक ये सारे क्षेत्र में आई थिंक जो क्रेन्स की आई थिंक क्षमता है आई थिंक ये काम में आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट विच इज बेसिकली ट्रैक्टर्स जो 16% कॉन्ट्रीब्यूट करता है अलॉन्ग विद मटीरियल हैंडलिंग, आई थिंक ऑल दीज एलिमेंट शुड कम टुगेदर। और इसके लिए आई थिंक अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें 10% के आसपास FY21 में 1260 करोड़ का इन्होंने पोस्ट किया है टॉप लाइन, 10.8% की मार्जिन एंड द मैनेजमेंट बिलीव्स कि 11 और 12% के आसपास EBITDA मार्जिन मेंटेन हो जाएगी। केपेक्स है नहीं, आई थिंक 20 से 30 करोड़ का केपेक्स है क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल्स आर स्टिल अराउंड 40-50% फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्री, जहां पे मैनेजमेंट को लगता है 25 से 30% ग्रोथ आएगी FY22 में। हालांकि फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लगिश हो सकता है बिकॉज ऑफ पार्शियल लॉकडाउन और मानसून एक्टिविटी थोड़ी स्लगिश होती है, बट सेकंड हाफ रिकवरी जबरदस्त हो सकती है। और क्योंकि कोई डेट नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर या बहुत मार्जिनल डेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैन एक्सीड 19-20% तो मुझे लगता है आई थिंक एक चुनिंदा ऑल्टरनेट प्रॉक्सी प्ले हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक सीमेंट, जिसको अपेट करती है ये कंपनी। एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन प्रॉब्ली बिकम्स माय टॉप ड्रॉवर पिक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जोशी साहब यकीन जानिए कल हम लोग इतने बिजी हो गए थे सर्किट फिल्टर्स के चेंज में कि एक्शन कंस्ट्रक्शन पर भी चाहकर हम लोग ध्यान और रुझान नहीं डाल पाए। 178.65 पर ये काउंटर आपको कल बंद होता हुआ दिखा और वॉल्यूम थी लगभग 24,61,000 शेयर। शानदार ब्रेकआउट था, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इतना मूवमेंट कल बाजार में था कि ये एक्शन हम लोग पकड़ नहीं पाए एज के स्टॉक्स में। और रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन की थीम के साथ ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको काम करता हुआ दिखता है। जितना भी आप वहीक्यूलर इक्विपमेंट देखते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, वो एस बनाता हुआ दिखता है। चलिए, अब आपके सामने सारी टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल्स आ चुकी हैं, अब आपको डालनी है नजर खबरों पर और